चलो सीखते हैं चैप्टर नंबर 9 ऊंचाइयां ते दूरियां दे नाल संबंधित एक होर इंपॉर्टेंट सवाल देखते हैं। प्रश्न सानू की कह रहा, प्रश्न कह रहा 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर उच्ची एक इमारत तो कुछ दूरी ते खड़ा है। जदों वो इमारत वाल जांदा है तो उसकी अख नाल इमारत दे शिखर का उचाण कोण 30 डिग्री तो 60 डिग्री हो जाता है। दसो कि वह इमारत वाल कितनी दूरी तक चल के गया। जो प्रश्न सानू स्थिति दर्शा रहा है इस दे हिसाब नाल असी डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। असी एक इमारत लैने, इसनों मैं नाम दे दिंदा हाँ पी क्यू। इमारत तो कुछ दूरी के उत्ते एक लड़का खड़ा है जिसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। तो मैं मान लेता हाँ कि ए भी एक लड़का है तो इसकी ऊंचाई है 1.5 मीटर। इमारत की ऊंचाई सानू दिती हुई है 30 मीटर। हुण बिंदु ए ते लड़के की अख होगी, बिंदु ए तो इमारत दे शिखर का उचाण कोण, उचाण कोण मतलब सीधी दृष्टि रेखा तो उपर नू किन्ने डिग्री देखा, तो यह सानू दस्या होया है ये कोण है 30 डिग्री। तो लड़का इमारत वाल कुछ दूरी चल के जाता है। मान लो कि लड़का ए तो चल के किसी बिंदु एम ते पहुँचता है। इस बिंदु एम तो इमारत दे शिखर का उचाण कोण ये सानू दस्या है कि यह साढ़े को 60 डिग्री है। प्रश्न ये पूछ रहा है कि लड़का इमारत वाल कितनी दूरी चलिया। तो लड़का इमारत वाल चलिया ए तो लैके एम तक, तो असी ए तो लैके एम तक की दूरी जी है ये पता करनी है। असी इस मान लें कि ए तो लैके एम तक की दूरी है एक्स मीटर। इमारत की ऊंचाई पूरी साढ़े को 30 मीटर, ए तो लैके बी तक 1.5 मीटर है, तो आ दूरी भी साढ़े को 1.5 मीटर हो जाएगी। इस बिंदु नूं मैं बिंदु एन कह दिना हाँ, तो पी तो लैके एन तक कितनी दूरी होगी 30 माइनस 1.5 मतलब कितना होया, ये हो गया 28.5 मीटर। तो पी तो लैके एन तक साढ़े को आ गया 28.5 मीटर। ए तो लैके एम तक अपने कोल है एक्स मीटर। एम तो लैके एन तक आप मान लें कि यह साढ़े को है वाई मीटर। ये तो सी साढ़े को डायग्राम। हुण असी इस डायग्राम के हिसाब से इस प्रश्न को हल करना शुरू करते हैं। इमारत सीधी खड़ी है, आ वाला कोण 90 डिग्री होगा, तो इस कोण बिंदु ते बनया कोण भी 90 डिग्री होगा। असी लिखते हैं पी क्यू इमारत है, ए बी लड़का है, तो मान लो कि ए एम बराबर एक्स मीटर, एम एन बराबर वाई मीटर। हुण असी समकोण त्रिकोण पी एन एम विच देखते हैं। समकोण त्रिभुज पी एन एम विच, समकोण त्रिकोण पी एन एम कितों तो कितने तक होएगा, देखो आ वाला ये साडे कोल है समकोण त्रिकोण पी एन एम। हुण इस त्रिकोण दे विच एम एन भुजा सानू पता नहीं हैगी, तो असी लिख देंगे एम एन बटे पी एन भुजा सानू पता है, तो असी लिख देंगे पी एन। फिर देखांगे कि अनुपात किहड़ा बनता है, तो एम एन है साडे कोल आधार, तो पी एन है साडे कोल लंब, तो आधार बटे लंब साढ़े कोल हुंदा है कॉट, तो यह बन गया कॉट 60 डिग्री। एम एन की असी कीमत रख दिंदे हां वाई, तो पी एन की कीमत है साढ़े कोल 28.5, ये बराबर आया कॉट 60 डिग्री। तो कॉट 60 डिग्री साढ़े कोल होगा 1/√3, तो इतों असी वाई की कीमत कढ सकते हैं। वाई बराबर आऊगा साढ़े कोल
तिरछी गुणा करके सॉल्व करांगे, 28.5 नूं 1 नाल गुणा की ये बन गया 28.5 बटे वर्गमूल 3 मीटर। ये साढ़े को समीकरण नंबर 1 बन गई। हुण देखो एक होर समकोण त्रिकोण भी बनता साढ़े को, वो केड़ा समकोण त्रिकोण बनता आ वाला ए पी एन, एक आ त्रिकोण है साढ़े को जड़ा के शिखर एन दे उत्ते समकोण है। तो हुण असी लिखांगे फिर समकोण त्रिकोण पी एन ए विच केड़ी भुजा असी पता करनी है ए एन, ये पूरी असी समकोण त्रिकोण दे विच ए एन भुजा होगी तो अनुपात लिखण वेले ए एन ही लिखांगे, ये बनेगा ए एन बटे पी एन। तो फिर बन गया आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब की होगा कॉट, किहड़े कोण दे हिसाब नाल लंब डिसाइड होया 30 डिग्री दे हिसाब नाल, तां ये बन गया कॉट 30 डिग्री। हुण ए एन जिहड़ा है ये दो टुकड़िया तो मिलकर बनया, ए तो लैके एम तक, तो एम तो लैके एन तक, तो इसनों असी लिख सकते हैं ए एम प्लस एम एन बटे पी एन बराबर कॉट 30। कॉट 30 हुंदा वर्गमूल 3 बटे 1 लिख दिता। हुण इत्थे कीमतां भरदे हां, जिहड़ियां कीमतां सानूं पता ने, ए एम दी वैल्यू साडे कोल एक्स है, एम एन दी वैल्यू साडे कोल वाई है, तो पी एन की वैल्यू साढ़े को 28.5 है, ये बराबर आया वर्गमूल 3/1। फिर इतने तिरछी गुणा करके इन सॉल्व करांगे तो साढ़े को बन गया एक्स प्लस वाई बराबर 28.5 गुणा वर्गमूल 3। हुण इतने वाई की कीमत देखो असी समीकरण नंबर 1 तो लै सकते हैं, तो यह बन जूगा साढ़े को एक्स प्लस 28.5 बटे वर्गमूल 3 बराबर 28.5 वर्गमूल 3। तो एक्स की वैल्यू असी सॉल्व करते हैं, एक्स बराबर आऊगा 28.5 वर्गमूल 3 माइनस 28.5 बटे वर्गमूल 3। हुण इहनूं असी सॉल्व करते हैं तो यह बन गया वर्गमूल 3 साढ़े को लघुत्तम आऊगा, इत्थे बन जूगा 28.5 गुणा वर्गमूल 3 गुणा वर्गमूल 3 3 हो गया माइनस 28.5। इसनूं असी अगे सॉल्व करते हैं, ये बनूगा एक्स बराबर 28.5 नूं 3 ते गुणा कीती 5 3 15, 5 1 8 3 24 ते 1 25, 5 हासिल आ गए 2 3 6 2 8, 85.5 माइनस 28.5 बटे वर्गमूल 3। 85.5 दे विच्चों असीं 28.5 माइनस कर दिंदे हां, 0.5 चों 0.5 माइनस कीता 0, 15 चों 8 माइनस कीते 7, तो 7 के 2 माइनस किए 5, तो यह बन गया साढ़े को 57। तो एक्स की वैल्यू आई 57/√3। हुण हर के अपरमेय संख्या, तो इतने असी परमेयीकरण करांगे, अपने को वर्गमूल 3 वर्गमूल 3 नाल गुणा ते भाग कर देवांगे, तो साढ़े को बनूगा एक्स बराबर 57 वर्गमूल 3 बटे 3। 3 ते 57 कट्टे जा सकते, 19 3 57 होंगे, तो साढ़े को आया एक्स बराबर 19√3 मीटर। देखो व्यक्ति ए तो लैके एम तक भाव एक्स दूरी ही चलिया सी ना, यही प्रश्न ने पूछा दसो कि वह इमारत वाल कितनी दूरी चल के गया, तो साढ़े को आ गया कि व्यक्ति इमारत वाल 19√3 मीटर चलिया, यही साडा आंसर हो गया। मैं उम्मीद करता तुहानू ये प्रश्न भी समझ आया होगा। Thank you.